गोरखपुर महोत्सव 2023 का प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चंपा देवी पार्क में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि गोरखपुर की धरती गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है या शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की धरती है, जहाँ की मिट्टी में भी एक अलग प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। यह ऋषि मुनियों की धरती है, जिसके विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं। इस महोत्सव के माध्यम से आपसी भाईचारा सांस्कृतिक धरोहर को एक नया मंच मिला है। गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण जिला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। पहले का गोरखपुर घना सकरा व एक लेन की सड़कें थीं, जो कि अब चौड़ी हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने एजुकेशन सिस्टम को हायर किया है। फर्टिलाइजर कारखाना जो कि बंद पड़ा था, जिसको मुख्यमंत्री ने चालू करवाया है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने गोरखपुर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वह गोरखपुर महोत्सव में जरूर आएं और तमाम लगे स्टॉलों को देखें और उसका लाभ उठाएं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, श्री रवि किशन शुक्ल जी और हमारे सभी अपना स्थान लें और इस जी कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं, अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से नियम बनाए रखें और कार्यक्रम की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न करने में अपना सहयोग दें। माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत अभिनंदन बैज लगाकर आपका, आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें। आप इस समिति के सदस्य हैं और इस पूरे कार्यक्रम में आपकी सहभागिता हमारे माध्यम से किया जाना श्रेयस्कर होता है। इसमें माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री राम चौहान जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। 2023 पिछले ही वर्षों की भांति इस बार फिर से तैयार है आप सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी इस विशेष मौके के लिए विधि मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति जी के शुभ कर्तव्यों से। जो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है, प्रशस्त करता है, और जब ये दीपक गोरखपुर महोत्सव के भव्य मंच पर जलता है तो निश्चित ही ये प्रकाश जो उजियारे, जिनमें से लगभग 180 कलाकार जो है वो स्थानीय कलाकार सर यहाँ पे प्रस्तुत रहेंगे, तो ये इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि लगभग 90% जो कलाकार है वो हमारे स्थानीय कलाकार रहेंगे। कुल 5% कलाकार ऐसे होंगे जो गोरखपुर से बाहर के होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के होंगे। तो इस प्रकार 95% जो प्रतिभाग जो हमारे कलाकार करेंगे वो गोरखपुर और उत्तर प्रदेश से करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य कलाकार जो उत्तर प्रदेश के बाहर से भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, उनमें मुख्य रूप से आज शाम को पद्म श्री श्री कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति शाम को देंगे। उसके बाद कल माननीय कल 12 तारीख को जो है भोजपुरी नाइट को यहाँ पे थीम रखा गया है, जिसमें माननीय अवस्थी मैडम और इसके साथ में कवि सम्मेलन का आयोजन कल 12 तारीख को किया जाएगा और 13 तारीख को सोनू निगम अपने गीतों से गोरखपुर वासियों का मनोरंजन करेंगे। इस प्रकार ये जो कार्यक्रम है 11 12 13 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन और इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा 17 तारीख तक ये मेला कंटिन्यू रहेगा, जिसमें सिल्क मेला यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस प्रकार इसकी रूपरेखा रखी गई है। इसका पूरा जो उद्देश्य है वो ये रखा गया है कि गोरखपुर वासी जो है पूरा का पूरा अपना
अपना परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे जितनी तमाम तरह की एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे बुक फेयर है, विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाई गई है, मनोरंजन के और भी साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, उन सबको आप यहाँ पे आके अपने परिवार के साथ में उसको उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अतिथि जी को आप सभी की जोरदार तालियां इस खास मौके के लिए अपेक्षित है। कृपया जोरदार तालियां बजाकर इस पल की शोभा को द्विगुणित करें। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बहुत ही महोत्सव के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए 80-90% लोकल कलाकारों को मौका मिल रहा है। बहुत खुशी है। मिलेट ईयर चल रहा है, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिसको उसको उसका आगाज भी है, तो ये आप अनगिनत स्टॉल में आप देखेंगे, तो हम लोग उसको भी कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी चाहते थे कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए, तो लोक संगीत भोजपुरी से लेके हमारी हमारे पूजा भजन वो सारे आपको इस मंच पर मिलेंगे। कैलाश खेर बॉलीवुड से आएंगे, वो आज इसका आगाज करेंगे। सोनू निगम पहली बार गोरखपुर की धरती पर परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं स्वयं करूंगा। मालिनी अवस्थी जी भोजपुरी के लिए आएंगी। अनगिनत भोजपुरी के कलाकार जो लोकल हैं वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव मैं देख रहा हूँ इस बार हो रहा है। अनगिनत स्टॉल हैं, हमारे बच्चे प्रदर्शनी कर रहे हैं, लोकल फूड और लोकल खाने से लेके उनकी विज्ञान प्रदर्शनी भी आपको देखने को यहाँ मिलेगी। आपको हर तरीके से प्रदर्शनी देखने मिलेगी और ये कि बहुत ही ऐतिहासिक गोरखपुर महोत्सव का जैसे आप देख रहे हैं भव्य मंच आपके पीछे खड़ा है, तो इसका आगाज हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता से? आइए, ठंडी में एकदम गर्मी का पूरा व्यवस्था कैल बा, हीटर है, आप लोग आइए, परिवार के साथ आइए, आप लोग को बड़ा आनंद आएगा। आज शाम से इसकी सारी शुरुआत हो जाएगी। 2 साल कोविड की वजह से बंद था, इतना भव्य होगा। महाराज जी चाहते थे इसीलिए भव्य करना, क्योंकि 2 साल लोगों ने, ये साल बड़ा अच्छा बीते सबका, तो महाराज जी ने इसको ऐतिहासिक करने के लिए ये पूरा प्रयास उनका है। देखिए, पहले तो गोरखपुर वासियों को और आसपास के सभी पूर्वांचल के लोगों को मेरी ओर से इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये धरती जो बाबा गोरखनाथ की धरती है, ये तपोस्थली पर ऋषियों मुनियों के भूमि पर, मैं आदरणीय योगी जी अपने माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इसके विकास के लिए और अपनी विरासत को पुनरुत्थान करने के लिए जो लगातार सतत रूप से प्रयासरत हैं, उनको प्रणाम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो हमारा एक सामाजिक समरसता, भाईचारा, सांस्कृतिक धरोहर को पुनरुत्थान करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए इस महोत्सव को मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि इस महोत्सव के द्वारा, मेलों के द्वारा जो भारतीय हमारी संस्कृति है, भारतीय परम्पराएँ हैं, आदर्श हैं, मूल हैं, सामाजिक ताना माना है, इसको मजबूत करने के अवसर मिलते हैं। और इस पवित्र धरती पर जो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है, पूर्वांचल का विकास द्वार बन गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देता हूँ। बदलाव देखने को मिला है सरकार बनने के बाद गोरखपुर में? देखिए, आज गोरखपुर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई है, कायाकल्प हुआ है। पहले का गोरखपुर जो घना सकरा बसा हुआ नगर था, आज चौड़ीगढ़ होकर के, विकृत होकर के, तमाम विकास की संभावनाओं के लेके विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ, चाहे पुरानी हमारी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम था और उसको हायर करने का प्रयास करा जा रहा है, तमाम विकास की हो, यहाँ का फर्टिलाइजर प्लांट था, बंद पड़ा था, चालू करने का काम करा जा रहा है, हर क्षेत्र में विकास की ओर उभरते हुए, विकास की ओर अपनी किरणें बिखेरते हुए गोरखपुर में आज तमाम बदलाव की किरणें नजर आ रही हैं। अपील करना चाहेंगे नागरिकों से आज महोत्सव के, इस महोत्सव के मार्फत से मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि लोग अपनी पुरानी परंपराओं, विरासत को कायम रखते हुए सामाजिक समरसता कायम रखें, प्रदेश के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी और देश के विकास के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी के सामूहिक प्रयास से जो काम चल रहे हैं उसमें सब लोग उसका लाभ भी उठाएं, अपना सरोकार रखें। और हम लोग चाहते हैं कि 2023 जो नया साल है ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपलब्धियों का वर्ष हो, खुशहाली का वर्ष हो और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने में सफलता अर्जित करें।